हेलो दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त विक्रम और आज की इस वीडियो में हम सीखेंगे कि क्रोमा बैकग्राउंड के साथ कैसे क्रिएट कर सकते हैं एक प्रोफेशनल स्टूडियो। और वीडियो स्टार्ट करने से पहले प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और नोटिफिकेशन बेल को प्रेस कर दें नेक्स्ट वीडियोस की नोटिफिकेशन के लिए, और मुझे इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर लें वीडियो एडिटिंग से रिलेटेड टिप्स के लिए। वेलकम बैक दोस्तों, अभी जो आप मेरे बैकग्राउंड पे देख रहे हैं इसे बोलते हैं क्रोमा बैकग्राउंड और ग्रीन स्क्रीन। और इस ग्रीन स्क्रीन को यूज करके मैं क्रिएट करूंगा डिफरेंट स्टूडियोस लाइक दिस। और अब मेरी वीडियो देखने में कितनी प्रोफेशनल लग रही है, और अगर आप एक बिगनर यूट्यूबर हैं तो आप इस तरह से अपना एक स्टूडियो क्रिएट कर सकते हैं। अभी जो आपने मेरा ग्रीन स्क्रीन बैकग्राउंड देखा था वो कोई एक्सपेंसिव ग्रीन स्क्रीन बैकग्राउंड नहीं था, वो था सिर्फ 20 रुपीस की शीट जो कि मैंने एक स्टेशनरी से बाय की थी। उसको यूज़ करके मैंने क्रिएट किया एक चीपेस्ट ग्रीन स्क्रीन बैकग्राउंड और अपना खुद का स्टूडियो। अभी आपने देखे डिफरेंट स्टूडियो बैकग्राउंड्स, और इन स्टूडियो बैकग्राउंड्स को अपनी वीडियो में कैसे प्लेस करते हैं वो सीखते हैं आगे प्रीमियर में। ये है दोस्तों प्रीमियर का इंटरफेस, और सबसे पहले हम जाएंगे प्रोग्राम मॉनिटर में, और प्रोग्राम मॉनिटर में हम ड्रैग करेंगे अपनी क्रोमा वाली फुटेज। उसके लिए आप सबसे पहले करेंगे राइट क्लिक। करते ही आपको ऑप्शन मिलेगा इंपोर्ट का, और आप अपनी फुटेज को करेंगे सिलेक्ट और करेंगे इंपोर्ट। यहाँ पर आपको कुछ वीडियोस दिख रही होंगी, इनमें से किसी एक वीडियो को मैं करूँगा सिलेक्ट और लास्ट में करूँगा ओपन। ओपन पे क्लिक करते ही हमारी वीडियो हमारी सोर्स विंडो में चली जाएगी। अब मैं अपनी वीडियो को ड्रैग करूँगा अपनी टाइमलाइन पे, और इस वीडियो में से हम रिमूव करेंगे क्रोमा, और इस वीडियो में जितना भी अनयूज्ड पार्ट है उसे हम सबसे पहले करेंगे डिलीट। और अगर आप अपनी वीडियो की ऑडियो को म्यूट करना चाहते हैं तो आपको नीचे ऑप्शन मिलेगा म्यूट का, जैसे कि मैं अभी इस वीडियो को कर रहा हूँ म्यूट। आप इस ऑप्शन को यूज़ करके अपनी वीडियो की ऑडियो को म्यूट कर सकते हैं। म्यूट करने के बाद हम अपनी वीडियो को ड्रैग करेंगे लेयर 2 में, बिकॉज लेयर 1 में हम अप्लाई करेंगे अपना स्टूडियो बैकग्राउंड। उसके बाद हम जाएंगे इफ़ेक्ट्स में और सर्च करेंगे अल्ट्रा की। इस अल्ट्रा की को यूज़ करके हम रिमूव करेंगे ग्रीन स्क्रीन। अल्ट्रा की को ड्रैग करेंगे अपनी वीडियो के ऊपर और जाएंगे इफ़ेक्ट्स कंट्रोल में। इफ़ेक्ट्स कंट्रोल में आपको कुछ ऑप्शंस मिलेंगे, जिन ऑप्शंस को यूज़ करके आप रिमूव करेंगे अपने ग्रीन स्क्रीन को। यहाँ पर आपको एक ऑप्शन मिलेगा पिकर टूल का, इस पिकर टूल से आप सेलेक्ट करेंगे अपने ग्रीन पोर्शन को। कलर सेलेक्ट करते ही आपका ग्रीन क्रोमा कन्वर्ट हो जाएगा ब्लैक कलर में, मतलब कि आपका क्रोमा वहां से रिमूव हो चुका है। यहां पर आपको एक पैच दिख रहा होगा वाइट कलर का, इस वाइट कलर का मतलब है कि यहां से आपका क्रोमा अभी तक परफेक्टली रिमूव नहीं हुआ। इसको ठीक करने के लिए हम जाएंगे इफेक्ट कंट्रोल में, और वहां पर आपको मिलेंगे कुछ ऑप्शंस। इफेक्ट कंट्रोल में आपको चार ऑप्शन मिलेंगे, ट्रांसपेरेंसी, हाईलाइट, शेडो एंड टॉलरेंस। इन चार ऑप्शनों को यूज़ करके आप अपने क्रोमा को सेट कर सकते हैं। और सबसे पहले हम जाएंगे हाईलाइट में, और हाईलाइट की वैल्यू हम करेंगे 0। 0 करते ही हमारा वाइट कलर का पैच कम्प्लीटली ब्लैक कलर में चेंज हो गया, ये आप वीडियो में देख रहे हैं, मतलब कि हमारा क्रोमा प्रॉपरली सेट हो चुका है। और इसके बाद हम जाएंगे शेडो में, और शेडो हम करेंगे 47। क्रोमा रिमूव करने के बाद अब हम इंपोर्ट करेंगे अपना बैकग्राउंड जो कि हम अपनी वीडियो के बैकग्राउंड पे अप्लाई करेंगे। उसके लिए हम जाएंगे सोर्स विंडो में, सेम वैसे ही हम इंपोर्ट करेंगे अपने बैकग्राउंड को जैसे हमने इंपोर्ट किया था अपनी वीडियो को। और यहाँ पर आपको कुछ बैकग्राउंड्स दिख रहे हैं, अगर आप इन बैकग्राउंड्स को डाउनलोड करना चाहते हैं तो आपको ये बैकग्राउंड के लिंक हमारे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप इजीली इनको डाउनलोड कर सकते हैं और यूज़ कर सकते हैं। और यहाँ पर मेरे पास स्टूडियो, लाइब्रेरी, ऑफिस और भी डिफरेंट बैकग्राउंड्स हैं, जिनमें से मैं किसी एक बैकग्राउंड को करूँगा सिलेक्ट और ड्रैग करेंगे अपनी वीडियो के पीछे। हमने अपने बैकग्राउंड को ड्रैग कर दिया लेयर 1 पे, मतलब कि अपनी क्रोमा वीडियो के नीचे। ड्रैग करने के बाद हम अपने इस बैकग्राउंड को करेंगे स्ट्रेच और करेंगे स्केल टू फिट। स्केल करने के बाद अब हम जाएंगे अपनी सोर्स मॉनिटर में। सोर्स मॉनिटर में यहाँ पर आपको दो वाइट कलर की वॉल्स दिख रही होंगी साइड में,
इन वॉल्स को अब हम करेंगे रिमूव, और इनको रिमूव करने के लिए हम करेंगे मास्किंग। मास्किंग करने से पहले हम अपनी इस वीडियो को करेंगे फिट 25% पे। फिट करने के बाद अब हम अपने सब्जेक्ट को करेंगे मास्क, मतलब कि हम अपने सिर्फ सब्जेक्ट को करेंगे मास्क और साइड्स की वॉल को हम करेंगे रिमूव। सिंपल मास्क कंप्लीट करने के बाद हमारा सब्जेक्ट हो जाएगा सिलेक्ट और साइड्स की वॉल हो जाएंगी रिमूव। मास्क करने के बाद अगर आप चाहें तो अपने सब्जेक्ट को अपने फ्रेम के अकॉर्डिंग सेट कर सकते हैं, स्केल कर सकते हैं और अपने सब्जेक्ट की पोजीशन सेट कर सकते हैं। उसके लिए आपको जाना पड़ेगा इफेक्ट कंट्रोल में, और इफेक्ट कंट्रोल में आपको ऊपर ही ऑप्शन मिल जाएंगे पोजीशन और स्केल के। अब हम अपनी वीडियो को प्ले करके देखते हैं कि हमारी वीडियो देखने में कैसी लग रही है। अगर आप एक बिगिनर यूट्यूबर या फिर आप एक वीडियो क्रिएटर हैं तो आप इस मेथड को यूज़ करके अपना क्रिएट कर सकते हैं खुद का एक स्टूडियो और अपनी वीडियोस को कर सकते हैं इम्प्रूव। और आज की इस वीडियो में हमने सीखा कि एक चीपेस्ट क्रोमा बैकग्राउंड के साथ कैसे क्रिएट कर सकते हैं अपने प्रोफेशनल स्टूडियो बैकग्राउंड्स। और अगर आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इस वीडियो को शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।